Good morning, student. आज क्या पढ़ना हम लोग को? क्या पढ़ना था हम लोग को? रिसिप्ट नंबर फॉर्मेट हम लोग सीख लिए थे कल. आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कल होमवर्क आपको दिए थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रॉम टीएस ग्रीवाल. क्लियर? आपने बनाया कि नहीं? आपने बनाया कि नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हम लोग उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक है? ये हम क्वेश्चन स्कैन किए हैं बुक से ही. क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल्स, इसी को हम पहले सॉल्व करेंगे. ठीक है? क्वेश्चन 1 को देखिए. ठीक है? क्वेश्चन 1 शुरू करें. क्वेश्चन 1 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेरे को प्रिपेयर करना है. क्या प्रिपेयर करना है बोलो? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. क्वेश्चन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. क्लियर? अब ये देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. हम लोग देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ. कैश इन हैंड रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड, सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड, डोनेशन अगेन रिसिप्ट, डोनेशन अगेन रिसिप्ट डेबिट साइड, इंट्रेंस फी रिसिप्ट डेबिट साइड. क्लियर? रेंट रिसीव अगेन रिसीव डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड डेबिट साइड. इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड. रेंट पेड ये भी एक्सपेंस है, पेमेंट है, क्रेडिट साइड. सही है? सैलरी क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड. ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एक्सपेंस है, क्रेडिट साइड. इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है, डेबिट साइड. प्रिंटिंग स्टेशनरी पेमेंट है, क्रेडिट साइड. पेटी एक्सपेंस पेमेंट है, क्रेडिट साइड. इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट है, क्रेडिट साइड. सही है? एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं. कैश इन हैंड ये ओपनिंग कैश है, रिसीव पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा. किधर साइड? डेबिट साइड. सब्सक्रिप्शन ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, डेबिट साइड. डोनेशन सोर्स ऑफ इनकम, डेबिट साइड. इंट्रेंस फी सोर्स ऑफ इनकम, डेबिट साइड.
rent received, source of income, debit side, that is receipt side. Electric charges, ये हमारा expense है, ये हमारा expense है. Credit side, tax paid, credit side. Salary, expense है, payment है, credit side. Credit side. Honorarium, ये भी हमारा payment है. Honorarium payment है. Credit side. Interest fee, receipt है. Debit side. Printing stationery, expense है. Credit side, petty expense, expense है, credit side, insurance premium, credit side. अब question solve करके देखते हैं, answer कितना है? 33,000. Solve कर देख लेते हैं. फिर सॉल्व करते हैं हम लोग. क्वेश्चन दिख रहा है? ऊपर लिख देंगे. सॉल्यूशन इन द बुक्स ऑफ रेलवे क्लब साहब. रिसिप्ट
receipts and payment account for the year ended 4 the year ended. क्या डे ईयर देख लीजिए 31st March 2020. So yeah. Debit, credit, debit, credit. Receipt amount rupees payment amount rupees. चलिए posting करना शुरू करते हैं. ठीक है, ये देखो सबसे पहले क्या है, cash in hand on first opening cash balance है. debit side, debit side to balance BD कितना बैलेंस है 4390. सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ टू सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट कितना है 37,600. डोनेशन दिया हुआ है, रिसिप्ट है टू डोनेशन, टू डोनेशन 8,000. कोई डाउट? फिर इंट्रेंस फी, ये भी रिसिप्ट है टू इंट्रेंस फी, इंट्रेंस फी 4,300. रेंट रिसीव, ये भी इनकम है टू रेंट रिसीव, रेंट रिसीव 5,250. फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये एक्सपेंस है
electricity charges 3440. टैक्स पेड ये भी एक्सपेंस है. टैक्स पेड 490. 490. चलो 490. सैलरी ये भी एक्सपेंस है. सैलरी कितना है? 21,500. 21,500. और एडियम टू सेक्रेटरी ये भी एक्सपेंस है. बाई ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी और एम टू सेक्रेटरी 350. फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी ये भी एक्सपेंस है. बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी एक्सपेंस है. प्रिंटिंग स्टेशनरी और एडियम ऑनरेरियम प्रिंटिंग स्टेशनरी 350. इंटरेस्ट रिसीव इनकम है. इंटरेस्ट रिसीव कितना है? देखो इंटरेस्ट रिसीव 2950. 2950 सही है. फिर इंश्योरेंस प्रीम पेटी कैश एक्सपेंस एक्सपेंस है. बाई पेटी कैश एक्सपेंस 900. फिर इंश्योरेंस प्रीमियम में भी एक्सपेंस है. बाई इंश्योरेंस प्रीमियम 310. क्लियर 310. फिर से एक बार देख लो, फिर से देख लो एक बार, बताना. कैश इन एंड डेबिट साइड, सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड, डोनेशन रिसीव डेबिट साइड, इंटरेंस फी डेबिट साइड, रेंट रिसीव डेबिट साइड, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेंस है, पेमेंट पेमेंट साइड, टैक्सेस एक्सपेंस है पेमेंट साइड, सैलरी एक्सपेंस है पेमेंट साइड, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है रिसीप्ट साइड, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है क्रेडिट साइड, पेटी एक्सपेंस एक्सपेंस है क्रेडिट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड सही है. चलिए अब टोटलिंग करके बैलेंसिंग कर लेते हैं. इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग. कितना कितना देख लो. 4390 प्लस 37600 प्लस 8000 प्लस 4300 प्लस 5250 प्लस 2950. साहब आ रहा है 62490. 62490 ये वर्किंग नोट 62490 माइनस. अब क्रेडिट साइड को ऐड कर लेते हैं. थ्री पेमेंट साइड क्रेडिट साइड प्लस 490 प्लस 21500 प्लस 2500 प्लस 350 प्लस 900 प्लस
three term. Sahab, 29490. Less kar lete hain. 0003 4 5 2 3. Answer itna. Theek. Koi doubt yahan tak? Koi doubt? बैलेंस है 3 अंकित. बैलेंस इतना, बैलेंस इतना. सिर्फ शंकर सर, अगर सिर्फ सैलरी होगा तो किस तरफ पेड या रिसीव? सिर्फ सैलरी पेड मानेंगे, सिर्फ सैलरी पेड, राइट? और एनपीओ को सैलरी कहां से मिलेगा, राइट? सैलरी पेड करेंगे, सैलरी में रिसीव नहीं होती, सैलरी एज्यूम करेंगे, सैलरी को हम लोग एक्सपेंस मानेंगे, राइट? ठीक है. चलिए इसको इसके शॉर्ट ले लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग. ब्लैक हुआ, अभिनव कुमार ब्लैक हो गया. इसके साथ ले लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन. और पहला क्वेश्चन आसान था, दूसरा उससे भी आसान है, लेकिन वो सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोग का. पहला आसान था, दूसरा उससे भी आसान है. शुरू करें. देखो, बंगाल क्रिकेट क्लब वाज इनॉग्रेटेड ऑन 1st अप्रैल 2019. इट हैड द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर इन डेट 31st मार्च 2020. रिसिप्ट, रिसिप्ट बोल के ही दिया हुआ है, तो ये सारा रिसिप्ट बोल के ही दिया हुआ है, तो ये सारा रिसिप्ट डेबिट साइड है. पेमेंट बोल के दिया हुआ है, तो ये सारा पेमेंट क्रेडिट साइड है. मैं इसको बना रहा हूं, टाइम बर्बाद हो रहा है. ये सारा रिसिप्ट डेबिट, ये सारा पेमेंट
क्रेडिट, क्रेडिट साइड. गुड, चलो. थैंक यू आदित्य, नाइस. चलो वेरी गुड. और ये सारा रिसिप्ट किधर साइड बताया सर आपको? ये सारा डेबिट साइड, ये सारा क्रेडिट साइड, सही है. अब ये देखो, ये भी सॉल्व करते, छोटा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिट, रिसिप्ट, अमाउंट, रुपीज, पेमेंट, अमाउंट, रुपीज. मैं बोला सारा रिसिप्ट डेबिट साइड, सारा रिसिप्ट डेबिट साइड, ये क्रेडिट. चल लिखो, बहुत आसान क्वेश्चन. टू एंट्रेंस फी 10,000, टू सब्सक्रिप्शन 60,000, डोनेशन, टू डोनेशन, क्लियर 10,000. यहां तक दिक्कत किसी को? फिर से देख लो, पहला एंट्रेंस फी, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर डोनेशन. अब पेमेंट साइड, सबसे पहले रेंट है, बाई रेंट 15,000, बाई पोस्टेज 1,000, फिर न्यूज़पेपर, न्यूज पेपर एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 8,000, बाय इन्वेस्टमेंट 30,000, बाई स्टेशनरी 4,000, फिर एंटरटेनमेंट
3000 miscellaneous expense by miscellaneous expense sahab 2000 sahi hai ये डबल लाइन से क्लोज कर लीजिएगा ठीक है डबल लाइन से क्लोज कर लीजिएगा अब इसको ऐड करते हैं 10 प्लस 60 70 और 10 80,000 साहब 80,000 लास्ट में ये बैलेंस आया बाई बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी वर्किंग नोट 80,000 में हम लोग माइनस कर देंगे इसको ऐड कर लेते हैं सिंपल ऐड है 5,000 9,000 39,000 39 और 8 47,000 47 और 1 48,000 48 58 63,000 63,000 लेस कर लीजिए 17,000 सर इजी क्वेश्चन क्लियर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 इसको सिर्फ डिस्कस कर देंगे आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 सारा चीज बता दे रहे क्वेश्चन 3 चलिए देखो क्वेश्चन 3 सही डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रिसिप्ट है डेबिट साइड है अभी डेबिट साइड एंट्रेंस फी डेबिट साइड सब्सक्रिप्शन
डेबिट साइड, लॉकर एंड इटसेल्फ अ डेबिट साइड, सारा डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड, परचेज लैंड पेमेंट है, क्रेडिट साइड परचेज फर्नीचर पेमेंट, क्रेडिट साइड सैलरी, रेंट रिफ्रेशमेंट लाइब्रेरी, ये टर्म डिपॉजिट विथ बैंक। अब करना क्या है मेरे को फ्रॉम द फ्रेंड फर्स्ट ईयर प्रिपेयर सिप एंड पेमेंट अगर तो बनवाया ही तो फॉर्मेट का जरूरत ही नहीं है इसमें, फॉर्मेट सब टोटलिंग करके आंसर देख लेते हैं, हम सिर्फ टोटलिंग करके आंसर देख लेते हैं। चलिए ये देखो, गुड, देख लेते किधर क्या बड़ा है, ठीक है, इधर देखो ऐड कर लेते हैं 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000 प्लस 17,660 प्लस 16,000 प्लस 25,000 इधर का ऐड करके आ रहा है मेरा 278,660 किधर साइड का, डेबिट साइड का, क्लियर। अब पेमेंट साइड ऐड करके देख लेते हैं साहब, 1,40,000 1,40,000 प्लस 5,800 प्लस 16,000 प्लस 1,85,000 प्लस 15,000 क्रेडिट साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड 3,61,800 ज्यादा आ गया, तो क्रेडिट साइड बड़ा हो गया 3,61,800 लिख दिए 3,61,800 यहां बैलेंस निकाल 2 बैलेंस CD, ये कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवर ड्राफ्ट बैलेंस 3,61,800 लेस कर लेते हैं माइनस 278,660 83140 चल, सिंपल क्वेश्चन, गुड, ऑलरेडी सॉल्व, अंकित अंकित सॉल्व, चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीन शॉट, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 इसको भी सिर्फ डिस्कस करेंगे, आइटम सारा बता देंगे, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस
डेबिट साइड सब्सक्रिप्शन, ये तीनों को ऐड करके एक ही बार सब्सक्रिप्शन लिखिएगा, ये तीनों को ऐड कर दीजिएगा। तीनों को ऐड कर दिया सब्सक्रिप्शन को, ठीक है, तीनों को ऐड करके क्या आ रहा है, रुपीज 48 और 4 1,52,000। साहब डेबिट साइड फर्नीचर परचेज पेमेंट है, क्रेडिट साइड जनरल डोनेशन, डेबिट साइड डोनेशन फॉर टूर्नामेंट रिसिप्ट है, डेबिट साइड क्लियर, चैरिटी गिवन पैसा गया, क्रेडिट साइड मैच एक्सपेंस, क्रेडिट साइड सिर्फ सैलरी है, बच्चे पूछ रहे थे सैलरी सर क्या उसको रिसीव की पेड मानेंगे, डेफिनेटली सिर्फ सैलरी है उसको हम लोग पेड मानेंगे, क्लियर, सिर्फ रेंट है उसको हम लोग पेड मानेंगे, रेंट रिसीव है तब उसको हम रिसीव मानेंगे। ऑनरेरियम पेमेंट क्रेडिट साइड, 12% इन्वेस्टमेंट परचेज पेमेंट है क्रेडिट साइड, एंट्रेंस फी रिसिप्ट है डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट है डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ है क्रेडिट साइड, बैंक का बैलेंस निकालना है, जो भी बैलेंस आएगा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। सही है, क्वेश्चन 5 आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 सेम क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, आज का पूरा क्लास इजी हो गया। चलिए कैश इन एंड डेबिट कैश एट बैंक, डेबिट सब्सक्रिप्शन रिसीव, डेबिट डोनेशन रिसीव, डेबिट इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट परचेज, क्रेडिट रेंट पेड, क्रेडिट जनरल एक्सपेंस, क्रेडिट पोस्टल स्टेशनरी, क्रेडिट सिंपल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, परचेज और क्रेडिट कुछ नहीं दिया हुआ है, डाउट न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, देखो क्लब क्या है, डाउट क्वेश्चन मार्क, आंसर आ जाओ बात की बात, डाउट। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पर ऑफ हो, डाउट क्लियर, इट मींस इट इज परचेज, क्रेडिट साइड सेल ऑफ न्यूज़पेपर, डेबिट साइड नहीं आई बात पता, सिर्फ दिया हुआ है न्यूज पर मैगजीन, डाउट था, डाउट इसको रख दिया हम लोग डाउट में, क्यों सिर्फ दिया पता नहीं चलता कि परचेज है कि सेल है, आगे क्वेश्चन पर तो क्या पता चला, फिर सेल दिया हुआ, इट मीन डेफिनेटली इट इज अ परचेज। चल नेक्स्ट बुक परचेज डेबिट, स्पोर्ट्स मैटर परचेज ओ बुक परचेज क्रेडिट, बुक परचेज क्रेडिट, न्यूज़पेपर परचेज क्रेडिट सेल डेबिट, बुक परचेज क्रेडिट, स्पोर्ट्स मैटर परचेज क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव रिसीव्ड डेबिट, ओरियम टू कोचेस पेड क्रेडिट, कैश इन हैंड क्रेडिट, कैश बैलेंस, ये हम लोग कैलकुलेट करना है जो कि आंसर दिया हुआ है। आ जाए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कैश इन हैंड डेबिट
कैश एट बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन डेबिट डोनेशन रिसीव डेबिट इन्वेस्टमेंट परचेज क्रेडिट रेंट पेड क्रेडिट जनरल एक्सपेंस क्रेडिट पोस्टेज क्रेडिट न्यूज पेपर बैग नहीं दिया हुआ है डाउट छोड़ दिए थे आगे पढ़ के पता चला कि हम सेल किए तब ये क्या होगा परचेज डन बुक परचेज पेमेंट क्रेडिट साइड एक्सपोर्ट परचेज पेमेंट क्रेडिट साइड इन्वेस्टमेंट रिसीव रिसिप्ट है इनकम है डेबिट साइड और एम टू कोचेज क्रेडिट साइड कैश इन एंड कैश एट बैंक कैलकुलेट करना है सही है कर लीजिए क्वेश्चन नंबर लास्ट सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स चलो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर सिक्स लॉसी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड ये भी जाएगा डेबिट साइड सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में तीनों कॉलम लोग ऐड कर लेंगे और डेबिट साइड आउट कॉलम में क्या करेंगे लिख देंगे राइट साहब तीनों को ऐड कर कितना होगा देख लो 4,35,000 सही है डोनेशन फ्रॉम जीन डेबिट साइड एडमिशन फी डेबिट साइड लाइफ और सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड वेजेस सैलरी क्रेडिट साइड रेंट लॉकर रेंट डेबिट साइड लॉकर रेंट डेबिट साइड इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्ट पैसा इन्वेस्ट कर रहा है पैसा जा रहा है इन्वेस्टमेंट पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड हेल्थ जर्नल परचेस कर रहा है क्रेडिट साइड हेल्थ जर्नल परचेस कर रहे हैं क्रेडिट साइड स्टेशनरी क्रेडिट साइड इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट साइड कोरियर चार्जेस क्रेडिट साइड म्युनिसिपल टैक्स क्रेडिट साइड मशीनरी परचेज क्रेडिट साइड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रिसिप्ट है डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस रिसिप्ट है
डेबिट साइड कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है, साहब क्रेडिट साइड बैंक बैलेंस आ जाएगा, बैंक बैलेंस आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें? सही है, बैंक बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। एनी डाउट? वन क्वेश्चन, कैश इन एंड क्रेडिट क्यों होगा? हिमांशु, ठीक है हिमांशु, वेरी गुड। अरे बेकूफ, ये कैश इन ओपनिंग बैलेंस है तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिट साइड जाएगा फिर सीडी क्या बन जाएगा, डेबिट बीडी साइड आएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस, दिस वन क्लोजिंग बैलेंस, यहां का बैलेंस, बाई बैलेंस कैश का और बैंक का। सही है हिमांशु? क्लोजिंग लास्ट पर। ठीक है, बच्चे पूछ रहे हैं सर लाइफ में सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अरे लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन होल लाइफ का एक ही बार पेड कर देगा, सब्सक्रिप्शन पूरे होल लाइफ का एक ही बार पेड कर देगा, बट तो लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन राइट। और पूछे डाउट पूछिए। कैश एंड क्रेडिट, यस सर, ब्लैक बोर्ड अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। नाउ ऐसी टेस्टिंग कर रहा है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो कर लेते हैं और कल शुरू करें नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कल टॉपिक शुरू करेंगे, अभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो जवाब दीजिएगा। नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, NPOs are the taxable organization. Are the taxable organization dash true or false? Question number two. Question number two. Nature of receipt and payment account. Payment account.
नेचर बताना इन द इजी क्वेश्चन. थर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन डैश. ऑप्शन दे दिए, कैश बेसिस, सेलर्स एक्रूअल बेसिस. एक्रूअल बेसिस इजी क्वेश्चन. फोर्थ, मेंशन टू आइटम्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. सेलर्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. दो ट्रांजैक्शन बताना है, नंबर वन नंबर टू. वन नंबर टू. चलो फर्स्ट आंसर गुड. फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर NPO आर द टैक्सेबल असेट. फॉल्स और ट्रू? करेक्ट आंसर ट्रू. नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रियल अकाउंट और एंड एसेट्स. थोड़ी रियल अकाउंट लिखिए सर. कैश बेसिस प्रिंसिपल, थर्ड कैश बेसिस प्रिंसिपल, कैश बेसिस प्रिंसिपल और विच टू टाइम्स नॉट रिकॉर्डेड. दो कौन से रिकॉर्ड नहीं होता है, एक तो पता ही है आपको, डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम. बच्चे गलती कहां किए हैं कर, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये बच्चे गलती किए हैं. इसको हम लोग थोड़ा सीख लेंगे, राइट? इसको हम लोग फिर से सीख लेंगे क्यों गलती हुआ. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग सीखेंगे. चलिए कुछ बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं, याद रखिएगा. याद रखिए एनपीओ के लिए अगर एनपीओस अपने टोटल रिसिप्ट का, अपना टोटल रिसिप्ट का, टोटल
जो भी रिसिप्ट उसको हुआ उसका 85% ठीक है, जो भी उसको टोटल रिसिप्ट हुआ वो सब्सक्रिप्शन डोनेशन जो भी टोटल रिसिप्ट इस करंट ईयर का है, करंट ईयर का टोटल रिसिप्ट का 85% उसको खर्च में दिखा देना है इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, उसको खर्च में दिखा देना है। तो रेस्ट कितना बच गया, कितना बच गया 15%, तो टैक्स नहीं लगेगा ठीक है। लेकिन अगर 85% से कम खर्च कर रहा है, सपोज लेट कितना खर्च किया बताओ 75% इतना ही उसका एक्सपेंस है, तो हमको एग्जेम्प्ट कितना है बताओ 15%, हमको एग्जेम्प्शन मिल जाए, एग्जेम्प्शन मिल जाता है, एग्जेम्प्शन मिल गया 15% हमको एग्जेम्प्शन। तो रेस्ट, रेस्ट कितना बच गया देख लो 10%, ये क्या हो गया हम लोग का टैक्सेबल हो जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर, कोई डाउट? फिर से एक बार फिर से एनपीओ टैक्सेबल ऑर्डिनेशन है कि नहीं, यस कि नो? यस है, बस अब तक कब, अगर अपने टोटल रिसिप्ट का 85% से खर्च कम दिखाता है तो साहब जितना कम दिखा रहा है वो क्या हो जाएगा उसका टैक्सेबल। क्लियर, कोई डाउट? आज हम इतना ही रखते हैं, कल का टॉपिक फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कल करेंगे, एक हो सकता है छोटा क्वेश्चन भी कर लें, उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम लोग, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट, कंज्यूमर आइटम का एडजस्टमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आज ये समाप्त करते हैं, चलिए, थैंक यू।